समझा नहीं भाई इसका क्या मतलब है। हाँ गॉडी भी तो दिल गो व्हाट डिड यू पोगो। मीन हाँ गाड़ी भी तो दिलवाई दीपक तो ने नहीं। कैप लगा लिया जो है ना अच्छा, मैंने गाड़ी दिलवाई। भाई टोपा में। हेलो, मैं हाँ तो तुझे वो गियर बॉक्स पे तो बिठा हूं, कहां हम चोदा दिलवाऊंगा मैं तुझे तुझे ऐसे। दीपक तुझे कार चलानी आती है? यार मुझे है ना, मेरे मम्मी ने बहुत साल पहले मारुति 800 गिफ्ट की थी, हाँ तो बहुत बता तौलिए पे था, रहा लेकिन वो खाई में गिर गई। उसके बाद में है ना, मुझे कार का बहुत ही खौफ है, बहुत ज्यादा खौफ है मुझे कार का भाई। तुझे बैठते दीपक हुए को भी डर लगता है क्या? लगता है क्या? क्या देखो गाइस दीपक को कार चलाना तो नहीं पर इसको कार की गियर पे बैठ के गियर लगाना आता है। कार की गियर पे बैठ के गियर लगाता है ये बताओ। ये क्या है, ये क्या ऐसे कर में रखा है, ये तेरी औलाद है क्या है बहनचोद, हर टाइम तेरी लेता रहता है। कैसे है ना, देखो जब तक तुम ठीक हो है ना, इस पायदान पे बाएं हो, अगर नीचे कुचले जाओगे अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कृष्णा के क्यों इतने फैन है? प्रीति मतलब प्रीति आई है, प्रीति राणा। नहीं, मुझे पता है कि तुझे दाना देखना है उसका, तुझे कोई हालचाल पूछने में तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? तेरा जो मिशन जो है, समझा? भाई गोल्डी भाई के मन में चल रहा है हाँ प्रीति राणा दिखा दे राणा। यही, अगर समझो नीचे कोई पलौड़ी आएगा ना, तो इसका ब्लर आंखों में ये कचरा चला जाता है। जैसे ही कोई आते हैं मम्मे मुम्मे, तो इसको बराबर फिर ये याद आ जाता है। ये अभी देखता है, अभी सुबह हो गई है, मॉर्निंग में कहाँ पे मुठ मारू। चलो लाइफ में चलते हैं, उसके बाद में एक आधी लड़की को यहाँ पे लिमोजिन वगैरह, जैगवार वगैरह दिखा देते, बेंटले वगैरह, उसके बाद में फिर मुठ मरवा लेंगे हम लोग उसको, बेंटले दिखाकर, लिमोजिन दिखाकर। ये इसका ऐसा चलता है। ये जो है ना, ये मेरा इंस्टाग्राम लाइव नहीं है, ये मुठभार केंद्र है। जैसे मतदान केंद्र होता है ना, वैसे मुठमार केंद्र है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ने बीच में 36 चुप्पा बिरादरी के लोग सुनता। इकट्ठा होते हैं, बेचो। अब है भैया जी अब की सॉरी बोल रहा है अपनी दीदी को है अरे वो बुरा मान के बताओ। नहीं, मेरी मत खिंचाई करो, यहाँ पे जो लोग तुम्हारी उम्र कम है ना, इससे मेरा कि चलो भाई कोई बंदा है बड़े उम्र का है, जिसको मैं पसंद करता हूँ, जो खूबसूरत हो, वो अगर मुझे कहे मैं तेरी लेना चाहता हूँ, चलेगा? ये ऐसे इतना गंदी नाक वाला, ऐसे एकदम ऐसे गुलाब जामुन के चेहरे वाला, ऐसे अगर मुझे कोई कहेगा तो तुम खूबसूरत नहीं हो, रसूखदार नहीं हो, इसीलिए तुम मेरी मत लेना। बाकी ऐसे गोल्डी कहे, तुम्हारा कोई मुझे पैसे वाले लोग ऐसे कहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गोल्डी जैसे भाई गुलाब यार ये जामुन पूछे आ कहे, रहे 125 क्यों ना आ रहे तेरी लाइफ पे। और भाई मुझे नहीं पता भाई, गोल्डी इसके भाई। बाटा भोसड़ा मारू तेरी ना बहन के लौड़े। इसकी एनी भी बनता है ना सुबह रो रहा लाइफ पे भाई। बुरी तरह रो रहा हूँ, एक घंटा भाई रो रहा हूँ मैं चोद। साढ़े दीपक, दूसरों गानों बना ले वह आर यू बनता है ना कमिंग तेरी ले ना, रखी है आर यू मादर चोद। दीपक आर यू कमिंग ना। रोते क्यों, सबके नाम फेमस ये कौन सी इंग्लिश गोल्डी है? को लगी है भूत, सुन तेरी माँ की चूत। ये क्या है बेटो? अरे गाना बेटो ट्रेंडिंग पे, नंबर वन पे चल रहा है, बोलो कृष्णा का गाना। अच्छा हाँ देखो ना, तुम यूट्यूब पे देखो, 3 दिन लगातार नॉन स्टॉप वो कृष्णा है ना, उसका गाना वन पे चल रहा है, ट्रेंडिंग पे। भाई पूरी पब्लिक ते हुआ है भाई। दीपक के गाने देखो, दीपक कलाल का टोरा उसे लाउ ट्रेंडिंग में। दीपक ने ना अरे वो दीपक ने उसका गाना डाला और अपने ऊपर अपना कैप्शन भी लिख दिया, दीपक कलाल का टोरा सॉन्ग देखो। वीडियो उसकी डाल दी बट गाना अपना डाल दिया है। बहुत हरामी है भाई, बहुत बहुत हरामी। ज्यादा भाई बहुत ज्यादा। सुबह मैंने लाइव देखी, बादल भाई से भी बात हुई, बादल भाई भी देख रहे मगा भाई रो रहा हूँ लाइव पे बुरी तरह। मैं बोला ज्यादा ही डिप्रेशन पहुंच गया दी के। नहीं देखो कैसे है ना यार, थोड़ा बुरा तो लगता ही है,
मतलब मैं चाहता हूं कि अगर चलो वो कश्मीर आते और उसके बाद में मेरे साथ कोलैबोरेशन करते और उसके बाद में मेरे साथ सॉन्ग करते। और कैसे, देखो यार मैं मानता हूं कि मेरे गाने महंगे होते हैं, मेरे गाने में जली हुई फैक्ट्रियां नहीं होती है, मेरे गाने में यार कारें होती है, यू नो खूबसूरत लड़कियां होती है यार, इसीलिए लोग कहते कि भाई दीपक के साथ गाना करेंगे, हमारा बजट 1 करोड़ है, ये 15-20 करोड़ तक चला जाएगा, इसीलिए लोग फिर करते नहीं है मेरे साथ। गोल्डी भाई प्रीति को मैसेज कर रहे कैसे हो। तो क्या दिक्कत है तुझे, जब दीपक कलार की लाइव है चल रही है उसे दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या? वो प्रीति राजेंद्र ढाबा पे खाना खा रही है और मैसेजेस उसको न्यूयॉर्क के आ रहे, बताओ। और खाना राजेंद्र ढाबा पे खा रही है, बताओ। वो भी 1/2 दाल मखनी 1/2 करके खा रही है वो, और उसको मैसेजेस यहाँ पे आ रहे, बताओ। दीपक एक भाई है हार्दिक भाटी करके, भाई 24 घंटा तेरे ही गाने सुने हो, वह गाने दिन में कम से कम 50 बार सुने भाई, एक बार कॉल। क्या गाने सुने, एक ही तो गाना है तो क्या, एक ही के गाने सुने भाई। बहन जो गलती से कौन सा हुआ ना, गलती से इसकी एल्बम आ गई वो तो बहन नहीं, इसके दो गाने एनिमे मर जाए, इसके दो मैं बता दूं कि मैंने गैरी संधू के साथ एक गाना किया है, उसका नाम है नेक्स्ट लेवल, उसको 1.2 मिलियन व्यूज है, आप लोग यूट्यूब पे चेक करना, नेक्स्ट लेवल है गाने का नाम। अच्छा सुनो, तो प्रीति राणा को कॉल पे ले रहा हूँ और दीपक कलाल का टोरा जो है सोनिया, मैंने अभी वीडियो डाला है दीपक कलाल के टोरा के लिए। अजय मैं तुमको नीचे बिठा रहा हूँ क्योंकि ये सब में तुम कम रसूखदार और बदसूरत हो। गंदे वाली बेइज्जती भाई। हेलो, मुझे अभी चाय दे देना। अच्छा आप चाय लेकर आओ। वेरी पुअर, थैंक यू वेरी मच यार, सच्ची इतना अच्छा ये भाई यार मेरे लिए, देख चाय लेके आया, इस्टेंशियो। उसके सामने नहीं बोला, वो कहेगा क्या बोला, इस्टेंशियो गाली है क्या। वेरी पुअर इंटरनेट, कौन है ये? हाँ अरे प्रीति राणा यार, तेरे लिए मैंने बुलाया यार, देख। अरे बट इंटरनेट तो आ नहीं रहा, मैं क्या करूं। जितने भी लोग है भाई, दीपक कलाल का टोरा गाना जो है आप लोग यूट्यूब पे जाओ देखो। एक इंस्पेक्टर संगवान है, उनको मैं कॉल पर लेना चाहूंगा क्योंकि वो भाई थाने में कम और इंस्टाग्राम पे ज्यादा दिखाई देते हैं, इंस्पेक्टर संगवान। प्रीति कह रही है गाली नहीं देगा तो ऐड होंगे। हाँ क्या, गाली नहीं लॉली मिलेगी यहाँ पे तेरे को, इसकी अपना ये क्या बोल रहे, अपना ये गोल्डी पहलवान की लॉली मिलेगी ऐसे 9 इंच की, कमाल है भाई, गाली नहीं देगा मतलब ये क्या तेरे को भाई, इसको दोस्त भी बनाना है न्यूयॉर्क के। पेटीएम कर फिर, तेरे को हीरोइन बनाऊंगा, पेटीएम कर। गोल्डी भाई तो गए। अरे गोल्डी भाई उसको कॉल करने के लिए ना प्रीति को। अच्छा अच्छा, अभी गोल्डी भाई उसको कॉल करेंगे। हार्दिक भाटिया, दीपक हार्दिक भाटिया उसे ले कॉल पे। अरे भाई मेरे को जब यहाँ पे हार्ड डिक मिल रहे हैं तो मैं क्यों हार्दिक को लूँ। अरे ले ले, जब मेरे को यहाँ हार्ड डिक मिल रहे है तो मैं हार्दिक को लूँ। एड कर, हेलो हाउ आर यू भाई। यहाँ पे मैं गार्डन में बैठा हूँ, मम्मी की कसम यहाँ पे एक मच्छर नहीं है भाई, एक भी मच्छर नहीं है गार्डन में, ना यहाँ पे सांप होते हैं ना मेंढक होते हैं। मैं सभी को कहना चाहती हूँ, मैंने एक अपनी एप्लीकेशन बनाई है, जो भी इंसान मेरे से पर्सनल वीडियो कॉल में बात करना चाहता है वो मैं लिंक आज शेयर कर दूंगी,
अब वो मुझे पर्सनल, दीपक देखो कुछ लोग हैं जो मेरा पर्सनल शो ऐसे खुलेआम देखते हैं, तो अब मैं उनसे टिकट लगा के चार्ज करके अपनी डांस दिखाया करूंगी, वो भी सेक्सी वाला। आज मेंशन कर दूंगी तो सभी लोग मेरी एप्लीकेशन जरूर देखना। तो एक लिंक दीपक को बनाओ। अगर सोनिया को बेंच ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, सोनिया तू क्या कहेगी करेगी बता सबसे पहले। मैं सबके लिए सेक्स फ्री कर दूंगी, सेक्स पे सब कुछ फ्री कर दूंगी, मैं सब कुछ फ्री कर दूंगी, सेक्स सबसे पहले सेक्स फ्री करूंगी। जो लड़कियां चार्ज कर रही हैं बहुत मोटा मोटा, इन जैसी को तो फ्री में दे दूंगी सबको, इन जैसी को तो फ्री में दूंगी, जैसे नीचे आई है। और आप सभी लोग मेरी एप्लीकेशन की टेस्ट जरूर करना, और मैं मेंशन जरूर करूंगी जो भी लोग मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पर्सनल वीडियो कॉल पे, तो आप जरूर लोग मुझे कॉल करना। Okay. अच्छा और सुनो, जो लोग तुझे चोदना चाहते हैं, तुझे घोड़ी बना के तुझे चूट का चुट्टा बनाना चाहते हैं, उनके लिए तू क्या कहेगी? उनके लिए मैं अपनी लाइव में उनसे बुकिंग लूंगी एडवांस, और फिर वो एडवांस बुकिंग में सब कुछ मिलता है, चाहे वो घोड़ी बनाए, चाहे वो सुपर लगाए, चाहे वो क्या लगाए, एवरी। क्या हुआ? अरे इसलिए तो वो हीरोइन है, दीपक इतना बोल, इसलिए तो वो हीरोइन है, और तू अभी तक गुमनामी के अंधेरे में डूबी पड़ी है, इससे मोटिवेशन ले। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो अपने अपने काम में मशहूर है, मैं अपने काम में हूँ। क्या काम करती है? तुझे गिटोरनी की मदर तेरेसा कहते हैं, ये सच है? तुझे तो पता ही नहीं है, तू क्या करता है पहले ये बता, सिवाय हाथ छतरपुर की मदर तेरेसा। छतरपुर की मदर तेरेसा है, सबको दान करती है तू। तेरी दान पेटी है ना, वो बड़ी हो गई, अभी दान करते। और सभी लोग देखो मेरी एप्लीकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो छोटे मोटे लोग ना आए उसके अंदर, और मैं उसमें चार्ज करने वाली हूँ वैसे भी, जिनको भी मेरे से बात करनी है, और सब कुछ मिलेगा उसके अंदर, सब कुछ। जितने भी देसी ठर्रे हैं, अगर आप दारू पी के मेरी लाइफ देखना चाहते हैं, सब देखना। सबको मिलेगा, सब लोग उस मेरी। तेरा बाप बहुत प्राउड फील करता होगा ना सोनिया, जब तेरा बाप तेरे को देखता होगा, हाँ, कि मैंने कैसी रंडी जनी, बहुत वो खुश होता होगा नहीं तेरा बाप? मेरा बाप ठेले पे सब्जी बेचता था, आज मैंने उसको बिजनेसमैन बना दिया, इज वेरी हैप्पी। तो तेरा धंधा अपॉइंटमेंट सब तेरा बाप देखता है, सब मतलब भड़वे की जरूरत नहीं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो सब कुछ वही अटेंड करती है, मैं तो सिर्फ जाती हूँ, बैग उठाती हूँ, भाग जाती, चल जाती हूँ। चल भाई, सब देख, हर एक की किस्मत होती है। मैं खुश हूँ कि भाई इतना सब कुछ तुझे सपोर्ट मिल रहा है तेरे फैमिली से, हर एक चीज में। देखो जैसे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा सपोर्ट तुम्हारी मामा करती है, सेम ऐसे सपोर्ट मेरी फैमिली करती है, तो आपकी मेरी। लेकिन मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं लोगों को, मैं कॉमेडियन हूँ, मैं कौन सा फ्री में चुप रहा हूँ, मैं कौन सा फ्री में टांग उठा रही हूँ, ये बताओ। मैं भी तो पैसे लेके काम कर रही हूँ, मैं कौन सा फ्री में संस्था चला के बैठी हूँ। अच्छा सुन भाई, हेलो, ओ भाई, हाँ भाई, कुछ अच्छी तरह से प्लेन बनियान पहन ले, ये क्या पहन के आया है भाई तू? मेरे को प्लेन कपड़े पसंद है, मर्दानगी कपड़े पहन के आ, ये खोल दे, ये खोल दे, अपने को पसंद नहीं है, जैसे वो बैठता है ना बादल वैसे बैठ, तेरी बॉडी अच्छी है, बॉडी जैसे वो सर्कस में नहीं आते, सर्कस में चांद सितारे दिखाने सर्कस वाले। कसम से भाई, बहुत ही बकवास पहन के आया तू, ये जो भी पहन के आया वो, थोड़ा गर्म कर दीपक भाई को, जब भी आएगा हाँ ऐसे बैठा कर मस्त। बता, उसका नेट तो चल ही रहा दीपक, थोड़ा कैमरा नीचे कर और स्तब्ध हो जाए, एकदम स्टैचू बन जा चूची की तरफ कैमरा करके। सभी लोग मेरा लाइव को जरूर आना, आप लोग आया करना, और जो मुझे पर्सनल बात करना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, अपॉइंटमेंट लेना चाहता है।